नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्येंद्र टेक चैनल में। अगर आपके पास लैपटॉप है और उसका कैमरा काम नहीं कर रहा है, या फिर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं और डेस्कटॉप पे कैमरा काम नहीं कर रहा है, या फिर आपके पास वेब कैमरा नहीं है, तो आपके कोई भी मोबाइल फ़ोन को आप वेबकैम की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये विदाउट वायर काम करेगा, वायरलेस के थ्रू काम करेगा। आपको मोबाइल को और लैपटॉप को, या फिर आपके पास डेस्कटॉप है, दोनों एक ही राउटर से कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर आपके पास राउटर है तो दोनों डिवाइस राउटर के थ्रू कनेक्ट कीजिए। अगर आपके पास अगर आप मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कीजिए। और वीडियो को पूरा देखिए, स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आपका मोबाइल का कैमरा वेबकैम की तरह काम करेगा। आप उसको जूम पे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की क्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप खुद की मीटिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत हेल्पफुल है, मैं खुद यूज़ कर सकता हूँ और यूज़ करके देख चुका हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे e2esoft.com/ivcam। और ये ओपन करने में आप देखेंगे नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़, डाउनलोड फॉर एप्पल के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। फिर डाउनलोड होने तक वेट करेंगे और ये डाउनलोड होने के बाद में सबसे पहले हम मोबाइल पे भी इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, IVCAM को। उसके बाद हम आगे का स्टेप्स करेंगे। तो भी डेस्कटॉप में डाउनलोड हो चुका है। अभी हम मोबाइल पे इंस्टॉल करेंगे। मोबाइल पे इंस्टॉल करने के लिए हम ऐप स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पे IVCAM सर्च करेंगे। IVCAM वेबकैम आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको ओपन कर लीजिए और ये आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप को सर्च करेगा। आपको ध्यान रखना है आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप एक ही डिवाइस से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं और उनको फॉलो करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम फिर अभी डेस्कटॉप पे चलेंगे और डेस्कटॉप पे इंस्टॉलेशन चालू करेंगे। नेक्स्ट कर देंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल होने के बाद में ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा और इसको रन कर देंगे। फिनिश करेंगे तो एप्लीकेशन आपका रन हो जाएगा। और मोबाइल पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डेस्कटॉप फाउंड कर लिया उसने और अभी डेस्कटॉप पे जाएंगे तो डेस्कटॉप पे आपको ऐप ऑन करेंगे और यहाँ पे आपको फायरवॉल अलाउ करने के लिए पूछेगा, तो उसको अलाउ एक्सेस कर दीजिए। और आपका मोबाइल का कैमरा अभी डेस्कटॉप पे आ चुका है, डेस्कटॉप या लैपटॉप आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आ जाएगा। मैं अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ और आपका विंडोज़ का कैमरे में भी चेक करेंगे तो आपको आप मोबाइल फ़ोन वहाँ पे भी आपका कैमरा काम करेगा। आप जूम या किसी में भी ऐप में यूज़ करेंगे तो आपको सेम आपका मोबाइल का कैमरा वेबकैम की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरा मोबाइल का कैमरा ही चल रहा है, आप देख सकते हैं बहुत इजी है। आप दोनों में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।